एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में निर्माणाधीन महिला हॉस्टल का निरीक्षण के साथ ही अन्य निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया और उचित दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि महिला कांस्टेबलों के लिए 32 कमरों का हॉस्टल बनाया जा रहा है, उसी की गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से काम हो सके उसी का निरीक्षण किया गया और समय पर कार्य करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए। इस दौरान RI उमेश दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जूते लगाए उसको नहीं लगाए, अंदर की एंट्री हो गई, दूसरा वाला ये हो जाएगा इधर, ये टॉयलेट में रखा मेरी सिंगल रूम, ये इसकी अलमारी बन रही होगी छोटी, 832। उसने काफी ज्यादा सुंदर हमने खाई ये काम कर लिया, लेकिन ये काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर महिला कांस्टेबल्स के लिए जो है सिंगल रूम्स की डॉर्मेट्रीज बन रही हैं और उन्हें रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए G+3 लगभग 32 कमरों का हॉस्टल बन रहा है, उसी की गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से काम हो इसको चेक किया गया है और भी जो कार्य काम चल रहे हैं पुलिस लाइन में उसका भ्रमण करके चेक किया जा रहा है। पुलिस लाइन की व्यवस्था अच्छी बनाने का मकसद यही है कि हमारे जवान को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो जिससे वो जनता की सेवा अच्छे से कर सके। जी बिल्कुल, उनकी गुणवत्ता और उनकी समयबद्धता का ध्यान रखा जाए जिससे कि समय पर ही हमारे लोगों को जो है सुविधाएं मिल सके।